उसके अंदर हमने चर्चा करी थी कि कैसे एक इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो इंडिया में आइडेंटिफाई की गई है एक्सपर्ट्स के थ्रू एंड uh, इंडिया के अंदर पेट टर्टल्स रखने पे मनाही नहीं है अगर वो पेट टर्टल इंडिजिनियस नहीं है तो व्हाट आई मीन इज कि अगर पेट टर्टल बाहर से इंपोर्ट किया है ऑर्नामेंटल स्पीशी है तो आप उसको घर के अंदर एज पेट्स रख सकते हैं ऑन दी अदर हैंड जो इंडिजीनियस स्पीशीज हैं उनको आप घर में एज पेट्स नहीं रख सकते अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे एंड इफ यू वॉन्ट टू कवर करंट अफेयर दिस कोर्स दैट इज गोइंग ऑन इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्मेट एंड इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन्स टू द पॉइंट की जो सीरीज है दैट इज प्राइमरिली फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड दिस वन द कोर्स दैट इज ऑलरेडी बींग रन इट इज बोथ फॉर प्री एंड मेन्स एंड यू कैन अवेल इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट यू ऑल्सो गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल ऑल्सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन चेक इट आउट अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कॉन्टेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इन इंडिया कीपिंग इंडिजीनियस टर्टल एज पेट इज प्रोहिबिटेड किसके अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बट अब आपके लिए जो मुद्दा है बट द फॉरन ब्रीड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड आर कैप्ट एज पेट्स इन मेरी फैमिलीज ऐसी ही एक फॉरन ब्रीड जो है वो अब थोड़ी इन्वेजिव में बदलती जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं और वो कौन सी स्पीशी है वो भी देखते हैं कि रिसेंटली एक्सपर्ट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव एंड नॉन नेटिव साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स दिस इज दर्टल भी देख लेते हैं कौन सा है वुड लीड टू दीशीज ऑफ देयर ओन काइंड

किसी भी फैमिली के लिए इसको रखने का पॉपुलर है आप भी किसी ना किसी फैमिली को जरूर जानते होंगे uh, या कभी रखे थे आपने सुना होगा सो इट इज नॉट दैट स्पीशीज ये पर्टिकुलर स्पीशी बात करें ब्रीड फास्टर कंपेयर टू लोकल टर्टल एज दे साइज इनक्रीजेज दे नो लॉन्गर फिट इन टैंक्स और पॉन्ड्स रिप्रोड्यूस रिपोर्ड्यूस फास्ट करते हैं ग्रो भी फास्ट कर रहे हैं

और मेक्सिको का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे पाया जाता है ये टर्टल ये वहां का है और ये थ्रेट हो जाता है लोकल फोना में जब यहां पर आपसे अप, नहीं पाला जा रहा है और उसको निकाल के जाके पास में छोड़ दिया अपने हिसाब से तो अच्छा काम किया बट इट बैकफायर इंपैक्ट एज रेडेड टर्टल मेच्योर फास्ट ग्रो लार्जर एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग्स एंड आर वेरी एग्रेसिव दे कैन आउट कंपीट ये है मुद्दा यहां पर दे कैन आउट कंपीट नेटिव टर्टल्स फॉर फूड नेस्टिंग एंड बास्कने वाली आगे देखते हैं रेड डियर टर्टल आर नेटिव टू ये मैं आपको बता रहा था साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड मैक्सिको बट आई फाउंड देयर वे अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू ट्रेड ऑफ एक्सॉटिक एनिमल्स वो ये घरों पे रखने के लिए ऑर्नामेंटल स्पीसी है, है ना टैंक वैंक में रखते हैं और स्टेटस सिंबल कितना भी दिखाई देता है जब ये रखा होता है तो प्रॉब्लम है सवाल कैसा बनेगा इसके ऊपर अभी हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा है तो सवाल कुछ ऐसा बनेगा सेलेक्ट दी अब हमने बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि पूछा क्या गया करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है यू कैन पॉज इट राइट नाउ एंड अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ डाल सकते हो आंसर आप कमेंट्स में मैं कंटिन्यू करता हूं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ रेड डियर स्लाइडर टर्टल नंबर इट इज इंडिजिनियस टू इंडिया इट इज ओनली फाउंड अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इट इज एन एनवे स्पीशी तो वी नो दैट तो नहीं है ये दो दो तीन तरीके से पता लग गया हमें अभी इंडिजिनियस है ही नहीं तो ओनली अलोंग ईस्ट कोस्ट का कोई मतलब नहीं है इट इज एन इनवेजिव स्पीशीज यही हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है करेक्ट बोलने को बोला था तो आंसर बिकम्स सी